और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्लैग जो लगे हैं यहाँ पे, ये मंदिर की एक निशानी है। ये जो है ये ढोलना मुँह है बेसिकली, इसको अभी गर्म करने रखा है, जो जितना गर्म होगा उतना ही आवाज़ इसमें बहुत अच्छी आएगी। सो दोस्तों ये है मंदिर, एंड ऊपर साइड भी था मंदिर। मतलब पहाड़ पे है, बीच में ऐसे मंदिर है, हवा एकदम मस्त आ रही साइड से। जो कि यहाँ पे है जलेबी, ये एक 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 किलो बांध के रखे हैं, यहीं पे तैयार कर रखा है ये जलेबी। और ये देख सकते हैं आप, ये जंगल कितना घना है। और ये जो सामने जो फूल लगाई है, हमारे उत्तराखंड का फूल है जिसको हम बुराज बोलते हैं। पे आप रात के टाइम पे आओगे तो यहाँ पे आपको बाघ बेग भी मिलेंगे, कुछ कह नहीं सकते, भालू रीख बाघ, क्योंकि गाँव की ऐसी होती है, मतलब जब तक चार पांच लोग हैं साथ में तो ठीक है, नहीं तो डरने वाले भी काफी, डराने वाले भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मेरा दूसरा दिन है गांव में, एंड एक स्पेशल बात है, आज मैं अपने गांव के कौथिक में जा रहा हूँ पहली बार। हमने बाइक है वो जो नीचे खड़ी कर रखी है, एंड गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको बैक साइड में, बहुत ही कच्ची रोड है, बहुत ख़राब रोड है यहाँ की। एंड जो ये प्लेस है, गांव का नाम वो चंद्रखाणी है, हमने दुर्गा देवी के यहाँ पे जाना है, उनका मेला है। सो बहुत बड़ा कौथिक होने वाला है वहाँ पे, हम ले चलेंगे। कौथिक मतलब हमारे इधर एक मेला होता है, हर एक गाँव की अपनी अपनी प्रथा होती है। सो जो मेला होता है उसमें काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ, एंड सेलिब्रेट करते हैं, एंड बहुत सारे मार्केटें लगती है, यही सब चीज़ें जो है गांव में होती है। सो ये है चीड़ का पेड़, इसके पत्ते देख सकते हो कैसे हैं एकदम, और बहुत सारे लोग हमें आगे रास्ते में मिलेंगे। सो हम ऐसे ही कौथिक का वीडियो लेते रहेंगे, आई होप आपको पसंद है, फिर आगे मेले में दिखाते हैं आपको डायरेक्ट। तब तक के लिए ये है गढ़वाल और कुमाऊँ का बॉर्डर हमारे साइड में, जो कि यहाँ लग रखा है, एंड ऊपर की ओर काफ़ी लोग जा रहे हैं कौथिक का आनंद लेने के लिए। काफ़ी दूर दूर गांव से आते हैं लोग यहाँ पे, मैं भी दूर से ही आया हूँ, कौन सा नज़दीक का हूँ। सो दोस्तों सामने मंदिर है, सो वहीं पे मेला, एंड एक खासियत है जब भी यहाँ पे मेला होता है तो लोग गाँव के जो कुछ ऐसी प्रकार सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसको ढोल दमो बोलते हैं, हमारे अच्छे कामों में यूज़ होता है, जैसे कि जागरी हो गई, पूजा हो गया उसके लिए। एंड देख सकते हैं आप आगे मेला है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। मैंने ऑफिस में सबको वीडियो कॉल किया था, नेटवर्क नहीं था इसलिए काट के भाग गया। यहाँ पे जलेबियाँ पक रही है। सो दोस्तों हम बढ़ते हुए मंदिर की ओर, मंदिर की परिक्रमा करते हुए। तू भी पादल गई है, तू भी पादल गई है। दुर्गा माता का मंदिर है, इनके नाम पे यात्रा होती है। बहुत मतलब पहाड़ पे है, बीच में ऐसे मंदिर है, हवा एकदम मस्त आ रही साइड से। अरे वहाँ के लोग, नीचे साइड के लोग
इस टाइम पे गर्म में मर रहे होंगे क्योंकि और यहाँ पे भले ही धूप हो रही है बट ठंड हवा तो कैसे चल रही है एकदम, पहाड़ की ये तो खासियत है। सो गाइस ये अपने कल्चर का रिवाज जो इन्होंने पहन रखा है गढ़वाल साइड से, एंड जो फ्रंट में खड़े हैं वो कुमाऊँ साइड का रिवाज है जिसको हम पिछौड़ बोलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। गाइस हम सॉफ्टी खाने जा रहे हैं, भैया तीन सॉफ्टी दे दो ना, तीन पकड़ इसको। सो गाइस ये ले रखे हमने 10-10 रुपए की, काफी सस्ती है। हाँ भाई उधर 20-30 रुपए की मिलती है, कहाँ पहाड़ के हिसाब से तो ठीक है। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्लैग जो लगे हैं यहाँ पे, ये मंदिर की एक निशानी है, एंड जो सामने मंदिर दिख रही है आपको वो है गढ़वाल के। हाँ सो मुझे भाई से पता चला है कि ये जो मंदिर है, भाई लोगों से, कि एक ये मंदिर है और एक वहाँ पे पार्क। हाँ सो वो जो है पार्ट वो कुमाऊँ में आता है, एंड जो ये मंदिर का पार्ट है ये गढ़वाल में आता है। बेसिकली यहाँ 3 रेजिमेंट है, मतलब वैसे तो आर्मी में रेजिमेंट बोलते हैं, जैसे कुमाऊँ रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, तो वैसे ही यहाँ पे 3 पार्ट होता है, गढ़वाल, जौनसार और हमारे कुमाऊँ साइड। तो हम जो है कुमाऊँ में आते हैं, अभी हम जो है गढ़वाल और कुमाऊँ के बॉर्डर पे इस वक्त। तो काफ़ी गढ़वाल लोग आ रखे हैं यहाँ पे, एंड जो मंदिर है यहाँ पे दिस इज़ पार्ट ऑफ द गढ़वाल। सो काफ़ी अच्छा है, चलते हैं फिर बताते हैं आपको आगे की जो भी होता है। ये जो है ये ढोल दम हुआ है बेसिकली, इसको अभी गर्म करने रखा है, जो जितना गर्म होगा उतना ही आवाज़ इसमें बहुत अच्छी आएगी। सो जो बेसिकली ये होता है, ये हमारे भगवान का प्रतीक भी होता है, जागरी में बजता है एंड पूजा में यूज़ किया जाता है इसको, एंड जो भी है अभी आपको आगे दिखाएंगे जैसे बजता है। तब तक के लिए आइसक्रीम खा लेते हैं क्योंकि पिघल रही है। सो दोस्तों जो कि हम अभी जा रहे हैं दुकान की ओर, तो दिखाएंगे आपको यहाँ की दुकानें, जो कि यहाँ पे है जलेबी, ये एक किलो बांध के रखा है। तो इन्होंने यहीं पे तैयार कर रखा है ये जलेबी, एंड यहाँ पे ये चाचनी में डाल रहे हैं जलेबी को तैयार कर रहे हैं। भाई लाल लाल क्यों रखा है चाचनी, वही लाल लाल की अच्छा कलर, अच्छा कलर डाल रखा है। तो मेले के लिए गेम प्ले है यहाँ पे कुछ, तो 60 लिखा है, तो 60 जा दी। ओ भाई गिरा दिया, बट 4 गिलास बच गए। हाँ ये तो, हाँ ये तो, ये भूज की मिठाई है, कट्टा कट्टा कह रहे हैं, कट्टा पता नहीं क्या है, मीठा होता है इतना पता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेले की जो खूबसूरती आप देख सकते हो, एंड समोसे, तेल कम हो गया ना, कोई नहीं चलता है, ऐसे भी समोसे अच्छे होते हैं, ठीक है यार पहाड़ों में सब चलता है। फिर से जलेबी है कि आलू है, मिठाई है, ये काफ़ी कुछ है, पानी गोल गप्पे यहाँ के।
पानी पूरी वो कैसे मर रहे हैं यहाँ पे पानी पूरी को खाली पानी पानी ये कैसा होता है ना गांव में घर गांव में एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है पर जैसे भी होते हैं गांव के लोग एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को और उसका आनंद लेते हैं गांव में तो हमें भी उसका आनंद लेना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो गांव इतना खूबसूरत है किसी चीज़ की ज़रूरत थोड़ी होती है यहाँ पे वैसे सो ये भैया क्या बन रहा है जलेबी बन रही है मुझे भी ऐसा दिख रहा है बट हाँ ऐसा अच्छा लग रहा है सो ये भैया की दुकान है यहाँ पे जलेबी बन रही देख सकते हो आनंद मिष्ठान भंडार चौकटिया से अच्छा आप चौकटिया से हो हाँ जी चौकटिया से आनंद मिष्ठान भंडार आनंद मिष्ठान भंडार से बोल रहे हैं भैया और इनकी दुकान जो है वो स्टेशन पे चौकटिया लोकेशन पे लोकेटेड है स्टेशन हाँ स्टेशन पे हाँ भाई बताओ क्या करना है ठीक है आगे बढ़ते हुए भैया ने बंद कर दिया यहाँ पे हमें देखते ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं है ना पिघल जाएगा वो अंदर ये दो बंदे जो हमारे एक भाई है दूसरे भी भाई है मेरे ब्लॉग में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं लोग आपका नाम दीपक और आपका नाम जगत जगत तो आगे यही रहेंगे हमारे साथ तो ये हमारे भाई चाउमीन बनाते हुए पत्ता गोभी शिमला मिर्ची नूडल बनाते हुए तो यहाँ पे भी जो तेल का यूज़ होता है वो रिफाइंड का यूज़ होता है जिसके हम सरसों का बोलते हैं प्योर सरसों का और कहीं पे भी बनाते हो चाउमीन कहाँ मैं ऑर्डर मारा वहाँ शिमला अच्छा शिमला गजब भाई गजब क्या कहे तुम्हारे ब्लॉग शेयर कर ब्लॉग शेयर कर देना बस बना देना भाई जब भाई मेरा भाई बता देगा आपको शेयर कर देगा आपको मेरा ब्लॉग का नाम ट्रैवल टॉक विद रावत है भाई व्हाट्सएप भेजना लिंक हाँ जरूर भेज देगा भाई को अब दोस्तों ये जो है चाउमीन है खोते के और अभी इसका टेस्ट करेंगे कैसा होता है वैसे तो गले में छाला हो रखा है पर बिना मिर्ची के हैं देखते हैं लेट्स सी वैसे तो चाउमीन गाँव में अच्छी बनती है कहीं भी खाओ आप नमक लेकिन परफेक्ट होना चाहिए बस आ भी नहीं रही चम्मच ऐसी पहाड़ में खाने का मज़ा ही कुछ और भाई मिलते हैं फिर आगे कुछ अलग रहा तो बताते हैं आपको तब तक अगले बार चलते हैं हम घर की तरफ और ये देख सकते हैं आप ये जंगल कितना घना है और ये जो सामने जो फूल लगाई है हमारे उत्तराखंड का फूल है जिसको हम बुराज बोलते हैं और हमारा राष्ट्रीय उत्तराखंड का फूल भी है ये और यहाँ पे आप रात के टाइम पे आओगे तो यहाँ पे आपको बाघ बेग भी मिलेंगे कुछ कह नहीं सकते भालू रीख बाघ क्योंकि गांव की ऐसी होती है मतलब जब तक चार पांच लोग हैं साथ में तो ठीक है नहीं तो डराने वाले भी काफ़ी हैं यहाँ पे है तो होते हैं यार रात को कुछ नहीं बोल सकते भाई और ये जंगल की भरी वादियाँ ठंडा हवा हमें अपने पहाड़ों की याद दिलाती है जो कि पहाड़ में है हम इस वक्त ये किसका पेड़ है रे ये बुरास का पेड़ है क्या इसका भी जूस जूस बनाया जाता है अच्छा हाँ तो इसका भी जूस बनाया जाता है जैसे कि मेरे मामा कह रहे जो हमने लास्ट टाइम कोचिंग में आपको दिखाया था हाँ मतलब गाइस बात ऐसी है ना गांव साइड में ऐसा होता है कि गांव काफ़ी दूर दूर होते हैं और मार्केट जो होता है वो एक ही जगह पे लोकेटेड होता है तो जैसे कि बहुत सारे गांव होते हैं जिनको नियर बाई कुछ सामान लेना होता है गांव में एक ही दो दुकान होते हैं मुश्किल से तो जो बड़े बड़े सामान होते हैं जैसे घरेलू लायक तेल हो गया ये सब हो गया तो उनको लेने के लिए लोग मार्केट जाते हैं जैसे कि देघाट हो गया हमारा मेन मार्केट है एंड नागचूला भी हो गया वो भी यहाँ से नियर बाई है अभी तो रोड आ गई है अब कहीं भी जा सकते हैं सो ऐसी है अभी रोड की हालत बहुत ही बुरी है यहाँ पर नीचे की तरफ अब यहाँ से आपको एक बहुत ही बेहतरीन व्यू देखने मिलेगा नीचे को जो कि आप देख सकते हो नीचे वो सामने एक गांव है वहाँ पे दो तीन ही घर दिख रहे मुझे यहाँ से वैसे तो होंगे वो भी तो चंद्रखानी है ना पर बड़ा उधर है बड़ा इधर ठीक है आगे से संजय भाई आ रहे हैं हमारे ब्लॉगर